भयानक आग लगी। जी हाँ, ये तीन शहर आग की, मुंबई की गोरेगांव इलाके में एक सात मंजिला इमारत में भीषण आग लगी और हादसे में सात लोगों की जान चली गई। उधर अमृतसर की अगर बात करें तो दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग की लपटों में यह घिर गई और हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। कानपुर की बात करें तो आर्मी सप्लाई वेयर हाउस में भी आग लगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। धू धू कर उठती आग की लपटें, आग की लपटों में खाक हो गई सात लोगों की जिंदगी। ये मुंबई के गोरेगांव के आजाद नगर स्थित समर्थ बिल्डिंग है। रात के करीब ढाई से तीन बजे के बीच जब लोग गहरी नींद में थे तभी धुएं और आग की आंच से उनकी नींद खुली। आग भयंकर थी, कई लोगों को भागने का वक्त तक नहीं मिला। सात लोगों की मौत हो गई, 51 जख्मी है जिसमें पांच की हालत गंभीर है। बेसिकली हम लोग रात को सोए हुए थे, तकरीबन तीन बजे ब्लास्ट वगैरह होने का आवाज आया। उसके बाद हम लोगों ने जब भी नीचे जाके देखा तो नीचे फायर हो रहा था। तभी जाके हम लोगों ने जब भी उठे, सबका बेल मारते मारते हम लोग सब नीचे आए और बाहर एस्केप हो गए यहाँ से। लोगों के मुताबिक आग की शुरुआत पार्किंग से हुई जहाँ काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था। इस वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी पार्किंग और इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद का मंजर देखिए, चार कार और 30 से अधिक बाइक्स पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। ये तस्वीर अमृतसर की है। अमृतसर के मजीठा रोड पर स्थित दवा फैक्ट्री में आग लगने से चार लोगों की झुलस कर मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल। आग ने तबाही कानपुर में भी मचाई। नौबस्सा इलाके में संजय नगर में कल रात एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी। आग ने करोड़ों का माल खाक कर दिया। दमकल के करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से इस पर काबू पाया। ये वही फैक्ट्री है जो आर्मी की ड्रेसेस और पूरी किट बनाने का काम करती है। इतनी भीषण आग लगी थी कि लगातार 15 से 20 जो फायर टेंडर्स हैं उस पे मौके पे आने के बावजूद फिलहाल आग पे काबू अभी नहीं पाया जा सका है। आप देखेंगे यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा हुआ है, इसी से जो आर्मी की ड्रेस है और बाकी चीजें है अभी भी गर्म है पूरा, ये बनता है। इसे बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि इसके रहते हुए आग पे काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। आप देखेंगे अगर तो करोड़ों का जो माल है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है उसका नुकसान हो चुका है। अंदर अभी भी रह रहे के जो आग है वो जल रही है। तीन शहरों में तीन अग्निकांड में 11 जिंदगियां स्वाहा हो गई। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।